इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं, अर्थात समस्त प्रकार की जांच पड़ताल करने के बाद कोई कारण नहीं होता है और उसको हम लोग इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं। लेकिन 40% केसेज होते हैं उनको सिम्टोमेटिक सीजर्स या सेकेंडरी एपिलेप्सी बोलते हैं। उसके मुख्य कारण होते हैं सेकेंडरी एपिलेप्सी के, जैसे कि सर की चोट लगना, कभी कभी जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें सर में चोट लग जाती है, ऐसे लोगों को मृगी होने की संभावना पैदा हो जाती है। दूसरा प्रमुख कारण है ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होना, जैसे मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी प्रमुख कारणों में से है। तीसरा प्रमुख कारण है जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय पेरिनेटल इंजरी होती है एंड उस समय मस्तिष्क में चोट लग जाती है बच्चे के, और ऐसे बच्चों को मृगी रोग होने की संभावना होती है। फिर कुछ कारण होते हैं जैसे कि पैरालिसिस, लकवे की शिकायत, उसके बाद भी दौरे पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, ब्रेन ट्यूमर हो जाना, या फिर जेनेटिक कंडीशंस होती हैं तो उनके अंदर भी रोगी के दौरे पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इलाज के बारे में देखें, यदि रोगी अपना इलाज जल्दी कराते हैं, शुरुआत में ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, ऐसे स्थिति में जो दवाइयां होती हैं साधारण दवाइयों से ट्रीटमेंट हो जाता है, मतलब 5 से 10 रुपए की दवाई से ही प्रतिदिन के हिसाब से उनका ठीक होने की दवा को देते हैं और वो काफी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद प्रारंभिक दवाइयां काम नहीं आती, दूसरी दवाई देते हैं, जो सेकेंडरी मेडिसिन होती है, एड ऑन मेडिसिन होती है, महंगी होती है, खर्चीली होती है और उसका आर्थिक असर भी रोगी को काफी पड़ता है। बहुत सी महान हस्तियां हैं जिनको की एपिलेप्सी की शिकायत हो चुकी है, जैसे कि महान क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स हैं, टोनी ग्रेग हैं, और नेपोलियन बोनापार्ट, जूलियस सीजर, एलेक्जेंडर द ग्रेट, ब्लेस पास्कल, इन लोगों को भी एपिलेप्सी की शिकायत थी। इसके बताने का मतलब यह है किसी इसाक न्यूटन, तो बीमारी होने के बाद भी रोगी जो है अपने समस्त प्रकार के कार्य कर सकता है और जीवन में उच्चतम स्थान को प्राप्त कर सकता है। बीमारी होने के बाद घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने काम को जारी रखें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो जीवन में समस्त प्रकार की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि इन महान लोगों ने अपने जीवन में समस्त प्रकार की ऊंचाई प्राप्त की और अपना नाम रोशन किया पूरे विश्व में। मिर्गी के प्रकार के बारे में जाने तो दो तरह की एपिलेप्सी होती है, पहली होती है पार्शियल सीजर्स, आंशिक मिर्गी, जिसमें कि मस्तिष्क के एक भाग में विद्युत तरंगें चालू होती हैं या पैदा होती हैं, उसे हम लोग आंशिक मिर्गी बोलते हैं। वो भी 3 भागों में व्यक्त है, जैसे कि मोटर, सेंसरी एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल। मोटर मतलब अचानक से रोगी के अंदर किसी भी भाग में अचानक से कंपन पैदा हो जाना, जिसे फोकल मोटर एपिलेप्सी बोलते हैं। सेंसरी के अंदर अचानक शरीर के किसी भाग में करंट टाइप के सेंसेशन होना, ये सेंसरी एपिलेप्सी है। तीसरी है कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी, इसके अंदर रोगी के अचानक से व्यवहार में परिवर्तन होता है, कुछ असामान्य गतिविधि करने लगता है, कपड़ों को खींचना, बोलना, गाली गलौज कर लेना, उसके बाद ठीक हो जाना। सामान्यतः ऐसे लोग मानते हैं व्यक्ति मेंटल हो गया, पागल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी अपने आप में एपिलेप्सी की बीमारी है, जिसके प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से रोगी को लाभ होगा। दूसरी जो बीमारी मुख्य जो वैरायटी है वो है पूर्ण मिर्गी, तो सामान्य लोग जानते हैं इसके बारे में, टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी, इसमें अचानक रोगी अपने चेतना खो देता है और हाथ पैर जगड़ जाते हैं, जबड़ा जगड़ जाता है, मुंह में लार झाग इतना जाने लग जाते हैं, इसे टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। सामान्य जो लोग होते हैं, आम पब्लिक, इसको ही एपिलेप्सी मानती है। इसके अलावा भी जो मैंने आपको प्रकार बताए उसको लोग मानते नहीं कि अपने आप एपिलेप्सी है। उसके बाद एक होती है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, इसमें अचानक शरीर में कुछ भागों के भाग में